बच्चों को दौड़ने क्षितिज भाग एक के अंतर्गत पाठ एक दो बैलों की कथा का खंड तीन प्रश्न नौ। अरे यह क्या कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है? हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र भगने झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे बढ़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न डरने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भला भूला हुआ हूँ, आरजू बिनती न चलेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-11 होता है और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से लगेड़ता हूँ तो पीछे से लगे दो, गौरी मार पड़ेगी तो बाहर खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो बगल से उसके पेट में से उछेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों में जान हथेलियों पर लेकर लगते, सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदि था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने लगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही उस्ताद थे। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया, ताकि बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 गिलास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके ऊपर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्न नंबर एक, रास्ते में दोनों बैलों ने क्या किया? उत्तर, उन्होंने अपने पर धावा बोलने वाले एक हट्टे कट्टे सांड को मार गिराया। प्रश्न नंबर दो, जब मोती ने सांड को मौत की नींद सुनाने का परामर्श दिया तो हीरा ने क्या कहा? हीरा बोला, नहीं मित्र, युद्ध में परास्त दुश्मन की जान लेना वीरता और बहादुरी का बहुत अपमान है। तीसरा, सांड को भगाने के बाद दोनों बैलों ने क्या किया? उत्तर में रास्ते में दिखाई दिए एक मटर के खेत में घुसकर दोनों मटर खाने लगे। प्रश्न नंबर चार, दूसरे के खेत की मटर खाने का परिणाम क्या रहा? उत्तर, गांव वालों ने दोनों को पकड़कर काली हाउस में बंद कर दिया। होमवर्क में रीड खंड 3 1-4 तक दर्शन।